सो फ्रेंड्स, प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक, जिसे हमने 4 फोल्ड कर दिया है। एंड यहाँ से हमने 2 इंच की मार्जिन पर नीचे की तरफ लेंथ, रेडी लेंथ जो है वो ले लेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं हमारी हिप का 1/4। हिप हमारी 40 इंच है, उसका 1/4 ले लिया 10 इंच। एंड 3 इंच हमने डाल दिया यहाँ पर लूजिंग का, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का चौक है, इसलिए आपको मार्किंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने 3 इंच ले लिया। यहाँ से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, हमारा क्रॉच पॉइंट वाला हिस्सा, यानी कि जो हमारा सेंटर होता है वो वाला सेंटर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है 13 इंच पर। बेल्ट हमारा ऊपर से ही कटने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ पर 13 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधी लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन हम इस तरह से बना देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से 10 इंच लिया है एंड 3 इंच का लूजिंग डाल दिया है, ठीक है। यानी कि ये टोटल 13 इंच का हमारा है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी ले लेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेंटर से 13 इंच ले लेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक चौक लगा देंगे, यानी कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से हमें इस तरह से ये जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हमें नीचे की तरफ यहाँ पर भी लेना पड़ता है, जहाँ पर हम क्रॉच पॉइंट बनाने वाले हैं। यहाँ से फ्रंट की तरफ हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हमारा जो क्रॉच का राउंड होगा वो बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यह हमारा बॉटम वाला पॉइंट है, तो बॉटम आप चाहे तो जितना भी रख सकते हैं, जितना आपको घेर चाहिए, बट हम यहाँ पर मेजर करके 15 इंच रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर जो हमने क्रॉच पॉइंट बनाया था, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ले लेंगे। आपको चाहिए तो स्ट्रेट भी ले सकते हो, या फिर आप एक और इसमें होता है, जैसे कि थाइज़ में थोड़ा सा टाइट होता है, नीचे की तरफ लूज़ होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, थाइज़ में टाइट होना चाहिए, तो 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से कर्व शेप लेते हुए मार्किंग कर देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से हमें क्या करना है, कर्व शेप लेते हुए नीचे की तरफ मार्क कर देना है, जिससे हमारे दिखने में जो है वो प्लाजो इस तरह से दिखनेगा कि अब हमने यहाँ पर क्रॉच पॉइंट के लिए राउंड भी शेप लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉच पॉइंट कट कर दिया, नीचे का घेरा भी कट कर दिया। इस तरह से हमारा प्लाजो कट हो चुका है, अब हम इसका बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 26x3 इंच का इस तरह से फैब्रिक लिया है एंड 2 बेल्ट हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो 26 इंच मैंने किस तरह से लिया है बेल्ट के लिए, उसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँगी इस तरह से, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, 26x3 इंच का इस तरह से 2 बेल्ट हम फ्रंट एंड बैक के लिए निकाल देंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऊपर से हमारा बेल्ट लगेगा इस तरह से 1 इंच का। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉच पॉइंट यहाँ पर जॉइंट करने वाले हैं। एक पार्ट रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। उसके ऊपर हम रखें, हम क्या करेंगे, बेल्ट अटैच करने वाले हैं। बेल्ट को ऊपर इस तरह से रखेंगे एंड लंबे में एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेकर पूरा बेल्ट के ऊपर। सेम एज इट इज़ तरीके से हमें दूसरे वाले में भी सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी, दोनों पार्ट्स पे हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉच पॉइंट अटैच कर, मतलब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से ऊपर तक सिलाई लगेगी, फिर दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर ही रख कर यहाँ से लेकर ऊपर तक सिलाई लगेगी। तो आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिलाई हमने लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है, यानी कि इसके दोनों क्रॉच पॉइंट अटैच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे का बॉटम फोल्ड करने हैं। तो बॉटम के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जिसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड कर दिया और यहाँ से सिलाई लगा देंगे पूरे बॉटम में, मतलब जितना भी हमारा घेरा होगा प्लाजो का, उसके पूरे घेरे में हमें क्या करना है, इस तरह से 1 इंच पर सिलाई लगा देंगे। तो ये बॉटम इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो दोनों बॉटम हमने अटैच कर लिया, अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे एंड एक पार्ट से, यानी कि यहाँ से लेकर फिर सेंटर तक आएगी सिलाई, फिर सेंटर से लेकर दूसरे वाले पैर तक, यानी कि एक पैर से दूसरे वाले पैर तक हमें क्या करना है, इस तरह से सेंटर के ऊपर इस तरह से रखना है दोनों पार्ट्स को एंड सिलाई लगा देनी है।
तो हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगेगी। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लिया है, अब हमारा सिर्फ इलास्टिक ही बचा है। कमर हमारी है 34 इंच, ठीक है, एंड कमर के हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं 30 इंच का इलास्टिक, यानी कि मैंने लिया है 31 इंच, बट यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा रेडी होके 30 इंच का। तो सबसे पहले तो हम इलास्टिक के ऊपर इस तरह से ज़्यादा सिलाई लगा देंगे ताकि ये खोले ना। अब हमने सिलाई लगा दी है, अब हम बेल्ट में इलास्टिक जो है वो अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेल्ट को इस तरह से रख देंगे, इसके ऊपर हम एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड इसके ऊपर इस तरह से रख कर एकदम बिल्कुल किनारे पे हमें क्या करना है, सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। याद में रखना, मतलब एक चीज़ का आप ध्यान में रखना कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना आ जाए या फिर उसके किनारे पे ही आए, क्योंकि जब इलास्टिक अगर खींचे उसके ऊपर, जब सिलाई आएगी इलास्टिक के ऊपर तो वो इलास्टिक जो है वो खींचेगा नहीं, तो आपको पहनने में दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल आपको किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है, इलास्टिक को अंदर डाल के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है, देन ये प्लाजो जो है वो रेडी हो जाएगा।